थोड़ा सा फर्स्ट डे है ना, तो उनको लेट हो गया है, अन्यथा लेट नहीं होगा, टाइम से स्टार्ट होगा। तो ठीक है, कोई नहीं। हम डिस्कस कर रहे हैं आज कंप्यूटर आर्किटेक्चर के ऊपर, एक्सेल आर्किटेक्चर के ऊपर। मैंने आपको वीडियो भेजी थी, आपने उसको देख लिया होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेल आर्किटेक्चर के ऊपर। तो एक्सेल आखिर है क्या? तो एक्सेल को हम ये कह सकते हैं कि एक स्प्रेडशीट है, मतलब कि एक रजिस्टर है, ठीक है? ओके okay। एक रजिस्टर है, तो इसमें क्या है कि रो एंड कॉलम है, और हर एक सेल पे हम डेटा स्टोर करते हैं। ध्यान रखिएगा कि एक्सेल जो डेटा कैरी करता है वो एक पर्टिकुलर सेल पे करता है, और हर एक सेल का एड्रेस। ओके जैसे मैं 25 कर दिया, तो 25 क्या है? V2 की वैल्यू है। V2 क्या है? इस सेल का एड्रेस है। कैसे? क्योंकि ओके तो B2 B कॉलम एंड 2 रो। तो इस एड्रेसिंग सिस्टम को पहले समझो। तो बी जैसे कि अब इसका एड्रेसिंग सिस्टम क्यों किया गया? कैलकुलेशन करिए। जैसे मान लीजिए कि मुझे C2 इसके 52 के 20 जोड़ने हैं, तो मैं इक्वल 52 प्लस 20 कर सकता था। लेकिन इससे क्या होगा, कल के डेट में अगर चेंज होगा तो ये अपने आप को अपडेट नहीं करेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि करेक्ट B2 की वैल्यू प्लस 20। तो ए B2 प्लस 20 करेक्ट मतलब क्या हुआ? B2 की वैल्यू। तो जैसे मैं इस पे नंबर चेंज करूंगा, अपने आप को अपडेट कर देगा, इसलिए एड्रेसिंग सिस्टम किया गया। अब एड्रेसिंग सिस्टम को समझिए क्या है कि इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए इस पे मुझे B2 है, क्यों? क्योंकि C1 पे हूं मैं, इसलिए। अगर मैं C2 पे जाऊं फिर मैं B2 लिखूं, तो इस C2 का B2 होगा, ना कि C1 का B2। C1 के लिए यहां पे रेफरेंस बनेगा C1 B2, समझे? ओके और जी ऐसे ही अगर मैं अनोदर फाइल पे जाता हूं, इस फाइल से किसी और फाइल पे जाता हूं, तो फिर उस फाइल का नेम प्लस B2 बनेगा। देख रहे हैं? जी तो क्या होता है, जैसे जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए कि आप दिल्ली में हो और मैं आपसे पूछूंगा कि आप कहाँ रहते हो, तो आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि मैं न्यू दिल्ली के कमाठीपुरा में रहता हूं। जब मैं न्यू दिल्ली को नेहरू प्लेस में रहता हूं, आप बोलोगे कि नेहरू प्लेस में रहता हूं, आप बोलोगे कनॉट प्लेस में रहता हूं क्या? करेक्ट करेक्ट लेकिन मैं यही चीज आपको मुंबई में पूछूं, तो मुंबई में आप क्या बोलोगे कि मैं कनॉट प्लेस में रहता हूँ? तो मैं कंफ्यूजन होगा ना कि भी कनॉट प्लेस मुंबई में तो पड़ता है क्या? क्योंकि कई सारे ऐसे होते हैं, कोई सिटी ऐसा होता है कि दोनों सिटी में जगह होता है, जैसे गोविंदपुरी मुंबई करेक्ट में भी होगा, दिल्ली में भी होगा, और कई सारे जगहों पर होगा। तो बताना पड़ेगा कि हाँ दिल्ली के अंदर गोविंदपुरी में रहता हूँ। आप ये तो नहीं कहोगे ओके ना इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर गोविंदपुरी में रहता हूँ। हाँ नहीं करे और वही अगर मैं इंडिया से बाहर हम है, तो आप बताएंगे कि हम इंडिया में दिल्ली में गोविंदपुरी में रहता हूँ। तो सेम चीज विद इन सीट, आपको सिर्फ ये देना है, रेफरेंस नंबर देना है, सेल एड्रेस देना है, इसके बाकी डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। और दूसरा कि अगर आप किसी और सिटी पे मतलब कि और फाइल और सीट पे जाते हैं तो फिर आपको सीट का रेफरेंस देना पड़ेगा, और किसी और फाइल में जाते हैं तो फिर आपको फाइल का रेफरेंस देना पड़ेगा। ओके okay. ठीक है। क्लियर है। जी सर तो सेम चीज होता है। अब एडिशन सिस्टम में बेनिफिट, ये तो एक बेनिफिट हो गया कैलकुलेशन। अब बेनिफिट को समझिए क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेल्स दिया और मैं यहाँ पे कुछ रैन बिटवीन फॉर्मूला होता है रैंडम नंबर निकालने के लिए, तो मैं रैंडम नंबर यहाँ से करे निकाला, कॉपी किया, अनपेस्ट वैल्यू। अब मुझे क्या है कि हर नंबर में 20 ऐड करना है। मैं चाहता हूं हर नंबर पे 20 को ऐड करना। अंसारी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे तो मैं आपको सुन पाऊंगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमने प्लस इसको लिया A2 + 20, क्योंकि हम यहां पे अगर इक्वल 23 + 20 किया तो रिजल्ट तो आएगा लेकिन फिर तो फिर अपडेट वो नहीं होगा, इसलिए हमने अपडेट नहीं होगा क्या सर जी. लिया, इसका रेफरेंस ले लिया A2 + 20। अब इसका, अब करेक्ट फॉर्मूला का फायदा क्या है कि जैसे हम फॉर्मूला को ड्रैग या कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो अपने आप को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। जैसे कि यहाँ पे क्या था, A2 + 20 था, तो यहाँ पे क्या हुआ, A3 + 20 हो गया। तो एक बेनिफिट क्या हुआ कि हमें अगर आपके पास अगर 1 लाख डेटा है तो एक पे फॉर्मूला लगाना है और बाकी को नीचे ड्रैग कर देना है, ये ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है। ठीक है. ये बेनिफिट है। अब इस बेनिफिट में एक प्रॉब्लम भी है कि अगर आपको, मान लीजिए कि मुझे यहाँ D1 पे जो 20 लिखा हुआ है ना, मुझे D1 की वैल्यू हर एक कॉलम की हर वैल्यू में सम करना है, तो अगर मैं इसको +D1 किया तो रिजल्ट आया, फिर मैं इसको नीचे को ड्रैग करूंगा तो ये अपने रूल के अकॉर्डिंग क्या करेगा कि A3 तो होगा, D2 भी हो जाएगा। करेक्ट यहां पे प्रॉब्लम आ गई कि मुझे यहां पे मैन्युअली एक एक को करके +20 करना पड़ जाएगा। क्या तो फिर यहां, डॉलर से फिक्स कर हाँ, सकते यहां पे हम एब्सोल्यूट रेफरेंस, डॉलर तो ही है लेकिन इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट रेफरेंस, या आम आम बोला चाल की भाषा में हैं? उसको ओके फ्रीज कह सकते हैं। ठीक है। तो इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस किससे करते हैं, डॉलर साइन से। अब जैसे कि जी. डॉलर साइन हमें कहाँ लगाना है, ये भी एक बहुत बड़ा चीज है। तो यहाँ पे D1 है, हमें हाँ. नीचे मतलब ड्रैग करना है, मतलब कि हमें रो हमारा इंक्रीज होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे नीचे ड्रैग किया तो यहाँ भी तो D2 हो गया, तो यहाँ D1 चाहिए। हाँ करेक्ट. किशम अंसारी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं ताकि आप भी, मैं भी आपको सुन पाऊं। गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग। तो ये क्लास स्टार्ट हो गई है, फर्स्ट क्लास है, अब देखिए। ठीक है। यस सर. तो यहाँ पे क्या है कि हमने क्या करना है, हमें D1 के आगे डॉलर लगा देना है। 1 के आगे डॉलर लगा दूंगा तो क्या होगा, जब मैं नीचे नीचे की तरफ नीचे ड्रैग करूंगा तो दिक्कत क्या होगा, यहां पे क्या होगा कि सब जगह 1 हो जाएंगे। ठीक है। तो ओके सबको ओके रिजल्ट सर. मिलेगा, लेकिन अगर इसी को मुझे इधर, अगर मान लीजिए इधर ड्रैग करना है तो क्या होगा, D1 हमारा, D जो है E हो गया। क्यों? क्योंकि हमें D के आगे डॉलर ओके नहीं लगाया। तो आप चाहो तो अगर दोनों तरफ डॉलर लगा दिया तो दोनों फ्रीज हो जाएंगे, अगर सिर्फ नंबर के आगे डॉलर लगाया तो रो फ्रीज होगा, अगर कैरेक्टर के आगे डॉलर लगाया तो कॉलम फ्रीज हो गया, दोनों के आगे लगाया तो दोनों फ्रीज हो गया। तो एज पर योर डिमांड, कि आपका डिमांड क्या है उसके अकॉर्डिंग इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे कुछ डेट लिखता हूं, और मैंने यहाँ पे टैक्स फॉर्मूला से यहाँ पे 3 बार DD लिख देता हूं,
हम डेट ला लेते हैं, तो संडे मंडे ढूंढ के, ठीक है। अब यहां पे मुझे क्या करना है कि अगर यहां संडे ऊपर संडे हो तो वीक ऑफ आना चाहिए, सैटरडे संडे हो तो हम यहां कंडीशन लगाया कि इफ अगर यहां पे इक्वल संडे है तो यहां वीक ऑफ होना चाहिए, अदरवाइज वीक ऑफ, अदरवाइज इफ कंडीशन ऑफ होना चाहिए, अदरवाइज पी होना चाहिए। ये फॉर्मूला अभी आपको नहीं बताया लेकिन समझिए, मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा। ठीक है सर। और मुझे यहां तक जो इसके बंदे के नेम है मैं नेम डाल देता हूं, डाल ले, ठीक है। अब मुझे इसको ड्रैग करना, अब मुझे नीचे ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, ई टू ई फाइव हो जाएगा, हो जाएगा करेक्ट। तो यहां पे मुझे रेफरेंस करना है, लेकिन प्रॉब्लम है कि जब मैं यहां आगे बढ़ता हूं तो ये जो है ई एफ होता है, तो यहां पे मुझे एफ को कंटिन्यू बढ़ाते रहना है, तभी तो वो अपने ऊपर वाले की हेडिंग को चेक करेगा। करेक्ट, बट फाइव को फ्रीज रखना, फाइव को फ्रीज रखना है। तो आप जो है अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपने डिमांड के अकॉर्डिंग फॉर्मूले में डॉलर साइन का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, अब सही हो गया, करेक्ट। तो डॉलर साइन का इस्तेमाल करना है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। ये पहली क्लास में इसलिए बता रहा हूं कि मैं हर दिन कोई ना कोई फॉर्मूला लगाऊंगा तो कोई ना कोई इस तरह का डॉलर साइन का यूज करूंगा, और हर दिन ये चीज मैं समझा नहीं सकता आपको, इसलिए मैंने आपको आज फर्स्ट डे में समझा दिया। तो डॉलर साइन मतलब एब्सोल्यूट रेफरेंस आ गया, ये भी समझ में आ गया कि एड्रेस, हर सेल का एक एड्रेस क्यों बना। हेलो सर, हाँ सुन रहा हूँ अंसारी जी। यस सर। तो दो चीज हमने आपके साथ डिस्कस किया, पहला कि सेल का एड्रेस B1C1 बना क्यों, और दूसरा हम उसको फ्रीज क्यों करते हैं और कब करते हैं और कैसे करते हैं। ये दो टॉपिक में डिस्कशन किया, अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम बात करते हैं, अब जैसे कि आप इस्तेमाल अभी एक्सेल सीखना स्टार्ट किया, आज पहली क्लास है, तो हो सकता है कि आपको कोई ऐसा ऑप्शन मैंने बताया लेकिन आपको समझ में नहीं आया, या समझ में आया तो लेकिन आप उसके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो या भूल गए हो। तो मान लीजिए कंडीशन फॉर्मेटिंग मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन कंडीशन फॉर्मेटिंग एक हफ्ते बाद जो है आपको आता तो है, याद तो है, लेकिन मैंने जुदा है, पेट में है, जवान पे नहीं आ रहा है। तो वैसे सिचुएशन हो गई, तो जैसे इस पे आप कर्सर रखेंगे तो इसके बारे में एक शॉर्ट नोट्स दे देगा कि इटली ऑफ स्पॉट द ट्रेंड एंड पैटर्न इन द योर डेटा यूजिंग द बार्स कलर एंड आइकन्स टू विजुअली हाईलाइट द इम्पोर्टेंट वैल्यू। इतना समझ में आ गया तो ठीक है, अदरवाइज टेल मी मोर पे आप क्लिक करेंगे तो आपका एक्सेल हेल्प खुलेगा। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर एक्सेल हेल्प ही क्यों खोल रहे हैं, हम गूगल को नहीं खोलते। तो गूगल के बारे में बताऊंगा, इससे पहले देख लीजिए कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में पूरा विस्तार से कई सारे टॉपिक देख रहे हैं यहाँ पे, कई सारे टॉपिक के साथ यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो इसको पढ़ने से मुझे तो लगता है कि आपका 10% तो समझ में आ ही जाएगा, इतना कम से कम, ऐसे तो जरा समझ सकते हैं कम से कम क्या। अब बात करते हैं कि हम गूगल पे क्यों नहीं सर्च करते हैं। देखिए गूगल जो है वो क्या करता है, कई सारे वेबसाइट आर्टिकल्स को आपकी कीवर्ड को मैच करके देता है, आपको रिजल्ट मिल भी जाता है। लेकिन गूगल पे कौन लोग डालते हैं, जैसे मेरा वेबसाइट खोलोगे तो मैंने डाल रखा, तो मैं अपनी समझ से इसको डाला हुआ है, अब प्रूफ रीड तो नहीं है ना कि 100% करेक्ट है। तो आप जब भी फीचर्स को गूगल पे सर्च करते हो तो आप जो है आपको सही इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसकी गारंटी नहीं है, ठीक है। लेकिन एक्सेल हेल्प में कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक को सर्च करते हो तो उसकी रियल इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्यों, क्योंकि ये एक यूजर मैनुअल है, एक्सेल का यूजर मैनुअल। मोबाइल फोन खरीदते हो तो उसके साथ उसके यूजर मैनुअल मिलता है ना, जब भी प्रॉब्लम शुरुआती दौर में मोबाइल आते थे नोकिया के,
तो हम लोग इसका यूजर मैनुअल से सेट करते थे कि कैसे टाइम सेट कैसे होगा, जब आता नहीं था तो यूजर मैनुअल हेल्प लेते थे। अभी भी हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट पे यूजर मैनुअल के हेल्प लेते हैं। करेक्ट ये यूजर मैनुअल है, तो यहाँ पे दी गई इंफॉर्मेशन 100% करेक्ट है और प्रूफ रीड के साथ है। क्यों? क्योंकि तो उसने इसको उसने बनाया है जिसने एक्सेल को बनाया है। ओके मैं आपको कहूंगा कि पहले आप इस पे सर्च करें, ठीक है? अब हेल्प की बात आ ही गई तो कुछ चीजें आपको पढ़ना जरूरी है, जैसे कि लिमिटेशन, एक्सेल की लिमिटेशन। ये आप कोर्स को आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि मेरा जब भी आप गाड़ी वगैरह खरीदते हो तो आप उसके बारे में जानते हो ना, इसकी स्पीड लिमिट क्या है, इसके माइलेज क्या है। उसी तरीके से एक्सेल की भी लिमिट्स के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। तो लिमिट के लिए आप जो है एक्सेल हेल्प के सर्च बार में या ऊपर यहां पे सर्च कर सकते हैं लिमिट। लिमिट नीचे आई, लिमिट लिमिट यहां पे देखिए, एक्सेलिफिकेशन और लिमिट्स क्लिक कीजिए, या यहाँ सर्च बार में भी सर्च कर सकते हो आप। तो ये आपको यहाँ के फीचर और मैक्सिमम लिमिट आ गया। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमें क्या जरूरत है लिमिट, जैसे कि कॉलम की विड्थ 255 कैरेक्टर है, हमें जानने की क्या जरूरत है? मतलब कि हम इस कॉलम को बड़ा करेंगे, जितना बड़ा होना होगा हो जाएगा। अब जैसे कि करेक्ट यहाँ पे एक चीज और है कि टोटल नंबर ऑफ करेक्टर के एक सेल में हम कितना लेटर लिख सकते हैं, इसे जानने की जरूरत क्या है, जान बताता हूँ। जैसे कि कॉलम विड्थ को हम ले लेते हैं। कॉलम विड्थ मान लीजिए कि आप 255 करेक्टर है, आपने लिमिट नहीं बढ़ा, आप वीवीए प्रोग्रामिंग कर रहे हो। वीवीए प्रोग्रामिंग करते समय आपको एक डेटा को सेल में स्टोर करवाना है और डेटा काफी ज्यादा है, तो आपको उसकी कॉलम विड्थ बड़ा चाहिए, ठीक है? तो करेक्ट आपको लिमिट नहीं पता है तो बड़ा चाहिए, मतलब कि आपने उसकी लिख दिया कॉलम विड्थ इक्वल टू 500, क्योंकि वहां कैरेक्टर लिखा था ऐसे, माउस से तो ड्रैग भी तो नहीं होता है ना। हाँ तो जैसे इसकी लिमिट से ऊपर जाएगी तुरंत एरर दे देगा आपको, उस समय ओके आपको समझने में टाइम लगेगा कि इसके लिमिट में प्रॉब्लम है या फिर हमें कोड गलत डाला है। लेकिन ओके उस समय आपने लिमिट पता है आपको, तो 255 कैरेक्टर नहीं डालोगे, उससे कम डालोगे, इससे ज्यादा नहीं डालोगे। हाँ बराबर दूसरी चीज यहाँ पे है नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट सेल कंटेन, मतलब एक सेल में कितना कैरेक्टर हम लिख सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, जैसे कि आप इफ का फॉर्मूला लगाते हैं तो इसमें पूछा जाता है कि हम कितने नेस्टेड इफ लगा सकते हैं, या सम इफ्स में कितने क्राइटेरिया दे सकते हैं, और में कितने क्राइटेरिया दे सकते हैं, जिसकी लिमिट डिफाइंड नहीं, लेकिन उसकी करेक्टर 32,767 से ऊपर हो गया। जैसे देखिए, अभी हमें इफ का फॉर्मूला आया तो कितने करेक्टर है, चार करेक्टर है ना, तो ऐसी फॉर्मूला लगाते समय अगर 32,000 से ऊपर करेक्टर टप गया आपका, तो फॉर्मूला आपका वैल्यू का एरर बनेगा। ओके और इतना बड़ा फॉर्मूला कोई चेक कर पाना है गलती कहाँ है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, इसलिए हमें लिमिट के बारे में तो पता होना चाहिए। तो इसको ये नहीं कहता कि आप संस्कृत की श्लोक की तरह इसको रट्टा मार दो, या फिर आप 8th 9th क्लास में जो पोएम रटते थे, मेरी अभिलाषा और बहुत सारे पोएम थे, वो इस पोएम की तरह इसको हाँ मार्क नहीं करना है। एक बार केजुअली इसको पढ़ लीजिए, जब प्रॉब्लम होगा तो दिमाग में घंटी बज जाएगी, करेक्ट ठीक है सर? निकालो कैसे पता चल गया? एक्सेल हेल्प में जाके लिमिट सर्च करो, या फिर यहां ऑप्शन एक बार सर दोबारा प्लीज बता दीजिए। बत्ती का निशान दिख रहा है ना, यस सर इस बत्ती के निशान पे जाओ, लिमिट को सर्च करो। लिमिट सर्च पहले करने किसी भी का एक्सेल वर्जन में है क्या क्या बोला आपने? सर, किसी भी एक्सेल वर्जन में आएगा ये ऑप्शन, अरे पर्टिकुलर सर ये किसी 2013 पर्टिकुलर एक्सेल वर्जन में आएगा ये ऑप्शन। 7 अगर लेते हैं तो यहाँ हेल्प का निशान होगा, तो ये हेल्प का निशान दिख रहा है ना, ये आपको इसका निशान होगा, इस पे क्लिक करोगे, यस सर ठीक है? ओके।
माने कि इस पे क्लिक कर लो या F1 प्रेस करके हेल्प आ जाएगा आपको, तो फिर हेल्प के सर्च बार में लिमिट को सर्च कर लो। दो से तरीके हैं, ओके सर, करेक्ट, चाहे जो से कौन सा वर्जन हो हेल्प तो आएगा ही आएगा। यस सर, F1 करेक्ट, प्रेस करने से F1 है। शॉर्टकट होता है हेल्प के लिए F1। अब शॉर्टकट की बात हो गई, शॉर्टकट की बात हो गई तो हम शॉर्टकट पे चले नजर मारते हैं। शॉर्टकट क्या है? जैसे हम कंट्रोल करने की कॉपी करने के लिए होम मेनू बार के अंदर यहां कॉपी पे क्लिक करते तो कॉपी हो जाता है, पेस्ट पे जाते हैं तो पेस्ट पे क्लिक करते हैं तो पेस्ट हो जाता है। लेकिन हम इसको हम कंट्रोल सी से भी कॉपी किया जा सकता है और कंट्रोल वी से भी पेस्ट किया जा सकता है। तो कंट्रोल सी एंड कंट्रोल टेक्निकली क्या है, इसी ऑप्शन को डायरेक्ट यूज करने का की है। जैसे कि मोबाइल फोन में आपको स्पीड डायल होता है ना, कि एक दबाओगे तो एक नंबर डायल हो जाता है, एक दबाओगे थोड़ा देर होल्ड रखोगे तो आपका जो स्पीड डायल है फर्स्ट पोजीशन का नंबर होगा वो डायल हो जाएगा। कभी आपने ट्राई नहीं किया होगा, जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट नंबर हमारे 8-10 नंबर जो है हम लोग स्पीड डायल में सेव कर लेते थे, और जैसे कि कोई जैसे ऐसे लोग जिसको मैं बार बार कॉल करता हूँ उनका नंबर बार बार लिखना या फिर कॉन्टेक्ट से निकालना दिक्कत होता था, तो हम स्पीड डायल में रख देते थे। और स्पीड डायल में कुछ इंपॉर्टेंट नंबर रखने चाहिए ताकि आप कहीं इमरजेंसी या किसी खतरे वाले सिचुएशन में पड़े तो नंबर में जाके नंबर निकालने की जरूरत ना पड़े, आप स्पीड डायल से कॉल कर सको। तो स्पीड डायल से, तो उसी तरह सेम ये स्पीड डायल समझिए कि कंट्रोल सी या कंट्रोल वी करता है। अब इसका बेनिफिट क्या है, देखिए अगर आप पूरा काम कीबोर्ड से करते हैं, माउस यूज नहीं करते हो या बहुत ही कम यूज करते हो, तो आपकी स्पीड माउस से काम करने की अपेक्षा 25 से 30% या उससे ज्यादा बढ़ जाती है। पहले दूसरा कि आपके सामने वाले लोगों के ऊपर इंप्रेशन पड़ता है थोड़ा सा। मान लीजिए ना कि आप इंटरव्यू में गए और पूरा काम कीबोर्ड से थका 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 आवाज आ रहा है, इसमें सब आवाज आ रहा है आपका क्या, तो सामने वाला बंदा समझ जाएगा कि हाँ ये द एक्सपीरियंस। क्यों? क्योंकि कीबोर्ड पे कमांड रट्टा मारने से नहीं होता है, प्रैक्टिस करने से होता है। जैसे एंटर प्रेस करने के लिए आपको सोचना पड़ता है, कीबोर्ड पे देखना पड़ता है, नहीं, कीबोर्ड एंटर करने के लिए ऑटोमेटिक मेरा हाथ कीबोर्ड पे चला ही जाता है। ऐसे कंट्रोल कंट्रोल दबाने के लिए भी हम कीबोर्ड पे नहीं देखते हैं, क्यों? क्योंकि हम उसको बहुत बार यूज कर रखे होते हैं। तो ऐसे ही करो। तो प्रॉब्लम आती है कि शॉर्टकट पता कहां से चलेगा, किस ऑप्शन में क्या शॉर्टकट है। उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप उसके मेनू बार पे, उसके उस जो मेनू बार में जो उसका कमांड है उस पर कर्सर करेंगे रखेंगे तो आपको उसका पता चल जाएगा। जैसे कि यहां देखिए कॉपी कंट्रोल प्लस कॉपी कर, लेकिन ये तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया कि मुझे अब पेन कॉपी लेना पड़ेगा हर पे जाके कर्सर रख के और फिर उसका लिखना पड़ेगा कॉपी का कंट्रोल प्लस सी क्या, तो उसमें आपको मदद करेगा हेल्प। गूगल पे जाने की जरूरत नहीं है, हेल्प जैसे कि यहाँ पे कीजिए या फिर इस हेल्प के सर्च बार में कीजिए, क्या सर्च मारिए, शॉर्टकट्स, शॉर्टकट्स यहां सर्च मारिए, यहाँ कीबोर्ड शॉर्टकट ऑफ एक्सेल फॉर विंडो, या यहां भी आप करोगे तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये आपके शॉर्टकट्स लिस्ट है। डू दिस प्रेस कंट्रोल डब्ल्यू कंट्रोल ओ कंट्रोल अल्ट एस कंट्रोल एस वगैरह वगैरह, पूरे शॉर्टकट लिस्ट है, ठीक है। तो बेसिकली बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं सर इस चीज का शॉर्टकट क्या है, तो मैं बोलता हूं यार मैं शॉर्टकट यूज नहीं करता, अगर मैं शॉर्टकट यूज करूंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कहां पे क्या प्रेस किया, क्या सर? तो शॉर्टकट के बारे में मुझसे मत पूछो, मैंने पहले ही क्लास में शॉर्टकट की लिस्ट आपको दे दी। अब आप इस शॉर्टकट की लिस्ट को लो और उसको रट्टा मारो आराम से। करेक्ट है सर, ठीक है। अब इसको रट्टा मारने से भी नहीं आएगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसका आप प्रिंट आउट निकाल के अपने वर्क स्टेशन पे डाल दीजिए और डेली आप जब ऑफिस के अंदर में जब आपके पास काम कम हो
या काम में कोई डेडलाइन ना हो कि हाँ इतना बजे मुझे देना है, तो आप क्या करें, माउस का यूज बिल्कुल ना करें, पूरा काम शॉर्टकट से करें। करेक्ट सर। ठीक है, तो आपको लिमिटेशंस को स्टडी करना है और शॉर्टकट को स्टडी करना है, दो चीज को स्टडी करना। उसके बाद कई सारे फॉर्मूले लगाने हैं और ये फ्रीजी मेथड मैंने समझाया है उसको प्रैक्टिस करने हैं। इसकी प्रैक्टिस आप अवश्य कीजिएगा क्योंकि आगे चल के आपको दिक्कत होगा, इसलिए इसकी प्रैक्टिस अवश्य कीजिएगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है आप लोगों को? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं अभी तक। तो ठीक है, आज मैं अपनी क्लास को यहीं पे खत्म करता हूँ। इसकी रिकॉर्डिंग्स मैं आपको डाल देता हूँ, आज तो इसको मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ, लेकिन अगली क्लासेस से इस रिकॉर्डिंग जो है आपको इसके थ्रू आएगा, क्या बोलते हैं, मेघा ड्राइव के थ्रू आएगा। ओके तो सर उसका एक्सेस मिलेगा फिर अलग से? हाँ, उसका एक्सेस मैं कल दे दूंगा जी, चलेगा सर। क्योंकि आपकी एनरोलमेंट हो गई है लेकिन अभी तक मैंने अपने सिस्टम में ऐड नहीं किया है, क्योंकि रात में किया था इसलिए, और सुबह सुबह नहीं कर पाया। अच्छा अच्छा करूंगा तो फिर। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, ठीक है सर, फिर कल सुबह मिलते हैं, कल सुबह सेम टाइम। और अंसारी, अगर आप चाहो तो आप भी इसी बैच को कंटिन्यू कर सकते हो सुबह मॉर्निंग में, जैसा भी होगा आप व्हाट्सएप पे या फोन पे डिस्कस। ओके सर, ओके सर, ओके, बाय, सी यू टुमारो सेम टाइम, बाय बाय सर।